जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हूँ? मैं भी ठीक हूँ। मुझे बताएं कि आपने कब स्टार्ट किया सेटअप? ये मैंने 16 अगस्त को यहाँ इसकी ओपनिंग की थी और हमें इंशाल्लाह अक्टूबर को टूर्नामेंट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपने जो इसकी स्पेशलिटी क्या है आपकी? जी यहाँ पे हमने अपने मेन्यू में रैप्स रखे हैं, बर्गर्स हैं, फ्राइज वगैरह हैं, लेकिन आजकल जो है वो हमारी एक डील काफी वायरल हुई हुई है जिसमें हम समझे 260 विद फ्राइज बर्गर दे रहे हैं, 200 ईच दे रहे हैं, लेकिन अभी हमने कल से एक डील निकाली हुई है जिसमें 500 के 3 फिंगर बर्गर है, तो वो हम संडे तक उस डील को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, संडे के बाद इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा अच्छा, चले, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है माशाल्लाह। कैसा रिस्पॉन्स आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं और पसंद आ रहा है लोगों को। अच्छा अच्छा, मैं वही देख रही थी, काफी देर से मैं आई हुई हूँ और मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं आपसे बात कर सकूं, बहुत देर से मैं वेट कर रही थी आपका, और मैं भी देखकर आई हूँ, सुनकर आई हूँ, काफी लोगों ने आपकी तारीफ की और फूड जो है फूड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है आपकी। तो आपने क्या टाइमिंग रखी हुई है? ये हमारी टाइमिंग है 7-7:30 बजे से और रात को 1:30 बजे तक, लेकिन मैं यही कहूंगी आपके तमाम देखने वालों को कि जो बेस्ट टाइमिंग है ना वो आप 7:30 से और 12 बजे तक आप उसको अच्छे सही तरीके से अवेल कर सकते हैं, क्योंकि समहाउ इतना क्राउड होता है, इतना रश होता है कि वो चीज हमारी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं लोगों को मना करूं। बिल्कुल सही कहा, मैंने भी ये देखा, भी एक लेडी आई है आपके पास तो जो आपने कहा है स्टॉक नहीं है, तो मैं वही देख रही थी कि माशाल्लाह काफी अच्छा आपका सेटअप रहा है, अल्लाह ने साथ दिया है, अच्छी बात है, मेहनत पे देखें कोई शर्म नहीं है और अप्रिशिएट कर रहे हैं काफी लोग आपको। जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं यहाँ खड़ी नहीं हूँ, मेरे बेटे की पॉकेट मनी इन्वेस्टमेंट से ये फूड कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है और बेसिकली मैं केक डिजाइनर भी हूँ, शेफ हूँ मैं, तो मैं 7 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ और 7 ईयर्स से मैं अपने घर से होम बिजनेस रन कर रही थी, तो अब इन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक बिजनेस अपना रन करें अम्मा, तो जो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज, आप मेरे फूड कार्ट का यहाँ नाम देख रही होंगी, पे ई, वही मेरे इंस्टाग्राम पे पेज है, तो उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना अम्मा इसी नेम को कमर्शियल पे लॉन्च कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही देखा, पे ईट्स नाम है आपका ना, और आप ये लोकेशन बताइएगा मेरे व्यूअर्स को। जी लोकेशन हमारी है ब्लॉक H नॉर्थ नाजमाबाद, ये लंडी कोतल फूड स्ट्रीट कहलाती है, 5 स्टार चौरंगी से जब आप आते हैं तो, और हम बिल्कुल नियर बाय यहाँ पे नॉन स्टॉप जो है ये केसर पिज्जा है, इसके साथ पिज्जा मैक्स है, हम यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट ऑफ पिज्जा मैक्स है। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती टाइम मुझे दिया और मैं अप्रिशिएट करूंगी आपके काम को, बहुत अच्छा चल रहा है और जजाकल्ला। तो मुझे ये पूछना था कि वैसे तो अल्लाह का शुक्र है आपका काफी अच्छा सेटअप है, लेकिन फिर भी ये होता है कि आप निकल रही हैं, लेडी हैं, तो कोई मुश्किल का सामना या कोई आपको परेशानी तो नहीं हुई? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और तो कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि यहाँ आने वाले बहुत सपोर्टिव लोग हैं और बहुत दुआएं देके भी जा रहे हैं और हर तरह से मतलब कोई पुलिस वाला तंग नहीं कर रहा, कोई डिपार्टमेंट वाले हमें तंग नहीं कर रहे, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि कुछ लोग हैं जो हमें यहाँ से हटाना चाह रहे हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आपके देखने वालों से कि जहाँ पे भी वो लोग हमें देख रहे हैं हमें ये सपोर्ट करें कि हमें यहाँ से एक जगह से हटाया ना जाए, क्योंकि देखिए हम जो है वो नहीं, तो आप ये बताएं, मैंने यहाँ आई हूँ, काफी मैंने देखा है ये रॉ पूरी जो है आपकी फूड स्ट्रीट बनी हुई है और किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है या आपसे ही प्रॉब्लम है? नहीं, बेसिकली हमें ही जो है वो यहाँ से थोड़ा सा हटाने की कोशिश हो रही है और बस मैं यही कहूंगी कि मैं यहाँ खड़ी नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों की सपोर्ट के लिए यहाँ खड़ी नहीं हूँ, देखिए हम घर से निकल के बाहर कोई काम करने निकले तो इसका कोई रीजन होता है, मैं अपने बच्चों की सपोर्ट के लिए यहाँ खड़ी नहीं हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें यहाँ खड़ा रहने दिया जाए, हमें यहाँ काम करने दिया जाए, ना हम किसी को तंग कर रहे हैं, ना हम किसी के लिए कोई परेशानी का बाइस बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैंने यही आपकी बातों से अंदाजा लगाया कि देखिए अगर प्रॉब्लम होती तो उन्हें और लोगों से भी होनी चाहिए, अगर सिर्फ आपको तंग किया जा रहा है, आपसे प्रॉब्लम है तो इसकी क्या रीजन है, मुझे भी समझ नहीं आ रही। बस मैं क्या मतलब एक तो समझे ना, एक तो कंपटीशन होता है, आप कंपटीशन काम से करें, लेकिन यहाँ बैक द स्क्रीन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि
वो मैं शो तो नहीं कर सकती, लेकिन बस मैं यही कह सकती हूँ कि मैं यहाँ अपने बेटे की सपोर्ट के लिए खड़ी हुई हूँ और हम यहाँ हलाल कमाने के लिए खड़े हैं, तो हमें सपोर्ट किया जाए, हमें परेशान ना किया जाए। तो आप मेरे व्यूवर से क्या कहेंगी, आप अब बताएं, आपको जो भी है कंप्लेन या जो आप चाहती हैं वो आप कह सकती हैं? नहीं, बस मैं यही कहूंगी कि देखिए वुमेन्स जो हैं, जब औरत घर से बाहर निकल रही है काम करने के लिए, तो उसको सपोर्ट करें, ना कि उनको परेशान करें, यहाँ हटाने की कोशिश की जाए किसी भी जगह से, क्योंकि ये मेरे घर से नियरेस्ट पॉइंट है, तो मैं ज्यादा दूर जाके काम नहीं कर सकती। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसी एरिए में काम करूँ और मुझे काम करने दिया जाए। बिल्कुल ये सही कह रही है, इनको आप लोग मेरे व्यूवर्स जो हैं इनको अप्रिशिएट करें और इनका साथ दें, इनकी जो आवाज़ है वो आगे तक पहुँचाएं, क्योंकि ये वो मेहनत कर रही हैं, ना कि वो किसी के आगे हाथ फैला रही हैं, अपनी मेहनत से वो कह रही हैं सब कुछ। बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि हमें पुलिस भी सपोर्ट करे और हमें दीगर डिपार्टमेंट जो है उनके लोग भी सपोर्ट करें कि हमें यहाँ काम करने दिया जाए। एज अ लेडी मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैं अपने बेटे के साथ काम कर रही हूँ और मेरा कोई नेगेटिव मोटिव नहीं है यहाँ काम करने का, मैं हलाल काम कर रही हूँ, मैं फूड प्रोवाइड कर रही हूँ, तो हमें सपोर्ट किया जाए। चलो शुक्रिया बहुत बहुत, मेरी व्यूवर से यही है कि आप लोग इनको देखें, इनकी लोकेशन जो है 5 स्टार चौरंगी के पास है फूड स्ट्रीट के, तो आए आप लोग टेस्ट करें, बहुत अच्छा था जिंगर इनका और इंशाल्लाह आप लोगों को टेस्ट अच्छा ही मिलेगा। चलें, थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको ये पेट का टेस्ट? बहुत ऑसम, लिटरली इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस विच वी हैव एक्सपीरियंस राइट नाउ, क्योंकि आप भी आए और यहाँ पे खाएं, लिटरली हम तो बहुत ही कोई फैसिनेट हुए, हम तो काफी देर से वेटिंग करते तो स्टॉक ही उनका शॉर्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एग्जैक्टली, जब भी हम आपसे पूछ रहे हैं, हम लास्ट टाइम आए थे इनका, हमने बर्गर ट्राई किया था, हम दोबारा आए हैं खाने के लिए क्योंकि हमें तो बड़ा मजा आया। चले अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आंटी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी है और माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत है। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। जी आपको कैसा लगा? बहुत जबरदस्त मजा आया। कितना खाया आपने? 2 बर्गर खाए। लग नहीं रहा, लग रहा है एक भी नहीं खाया। मैंने 2 खाए। एक और खा ले। मैंने अभी गुंजाइश नहीं है। चले थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे ये बताना था कि मैं काफ़ी दिन से आप लोगों को बता रही थी और अरसलान से भी कह रही थी मुझे सोडा पंच पीना है, पीछे लेकर ही आ रहे थे, इतने बिजी थे वो। अब जो है फाइनली मैं सोडा पंच आ गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका सोडा पंच के फ्लेवर और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो फाइनली मैंने ऑर्डर दे दिया अपना, ये भाई हैं, इनसे पूछ रहे हैं इतना ज़बरदस्त टेस्ट कहाँ से आया है और क्या नशा डाल रहे हैं इसमें जो मैं बार बार इनका ये सोडा पंच पीने आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या डाल रहे हैं आप सोडा पंच में जो मैं इतनी दूर से आती हूँ? बस फ्लेवर ही हैं जो कि ज़्यादातर सोडे वाले ये होता है कि बाहर से परचेज करके बनाते हैं, हमारा ये है कि हम अपने फ्लेवर खुद ही बनाते हैं। और कौन सा स्पेशल है आपका? हमारा स्पेशल जो अभी चल रहा है ब्लू लैक्टिकल फुल्की चिली वर्जन मोहितो, ये बेस्ट फ्लेवर है। अच्छा चलें आप फिर हमें ट्राई करवाएं सबसे अच्छा वाला फ्लेवर, क्योंकि मैं तो आपका लेमन पीती हूँ और अब आप अपनी मर्जी से कोई अच्छा सा बना दें। चार चलें तो गाइस मैं पीती हूँ सोडा पंच और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स मैं ड्रिंक मेरा आ चुका है, मैंने पिया है, बहुत ऑसम ड्रिंक है, आप लोग लाजमी आकर ट्राई करें। इनकी लोकेशन है 5 स्टार स्ट्रीट फूड स्ट्रीट है और नियर जो है वो स्वाद बेकरी, तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी ड्रिंक है।